नमस्कार, द क्रिकेट वॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं कृष्णा सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। क्रिकेट के महाकुंभ यानी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में एक के बाद एक शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। क्रिकेट के इस महायुद्ध में महारथियों के बीच घमासान हो रहा है। विश्व की 10 टॉप टीमें वर्ल्ड चैंपियन बनने आपस में भिड़ रही हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में जीत उसी की होगी जिसकी बल्लेबाजी में दम और गेंदबाजी में धार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास सेगमेंट द क्रिकेट वॉर। तो वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज दो मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला नीदरलैंड बनाम श्रीलंका के बीच होगा, तो दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड। 10:30 बजे से लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में नीदरलैंड और श्रीलंका की टीमें जो हैं वो आमने सामने होंगी। बता दें आपको कि नीदरलैंड और श्रीलंका ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले हैं। श्रीलंका को जहां तीनों मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है, तो नीदरलैंड ने 2 मैच हारने के बाद तीसरे मुकाबले में एक बड़ा उलटफेर किया था और साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हराया था। ऐसे में श्रीलंका वर्ल्ड कप की इस महाजंग में अपनी पहली जीत तलाशने उतरेगी, तो साउथ अफ्रीका को हराकर नीदरलैंड के हौसले काफी बुलंद हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं इकाना स्टेडियम की पिच रिपोर्ट, जिसमें आज दोनों टीमें आमने सामने होगी। तो इकाना स्टेडियम की पिच रिपोर्ट आपको बताएं कि यहाँ की जो पिच है वो काफी धीमी होती है स्पिनर्स को, हालांकि इसमें जरूर मदद मिलती है। और ये भी बताया जा रहा है कि दिन में यहाँ बल्लेबाजी आसान नहीं होता है, रन बनाना काफी मुश्किल बैट्समैन के लिए हो सकता है, लेकिन गेंदबाजों के लिए ये पिच काफी फायदेमंद होती है। और इसके पहले भी यहाँ पर एक मैच हुआ था इकाना में। अब तक 10 वनडे मैचेस खेले गए हैं। अगर पिच रिपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पर 10 वनडे मैचेस अभी तक खेले जा चुके हैं, जिसमें 7 बार चेस करने वाली टीम ने जीत हासिल की है। यानी कि जब दूसरी बार जो टीम मैदान में उतरती है बल्लेबाजी करने के लिए, लक्ष्य का पीछा करने के लिए, तो उस टीम को जीत हासिल होती है। इकाना स्टेडियम में आज पहला मैच 10:30 बजे से शुरू होगा और दोनों टीमें जब तक 3-3 मुकाबले खेल चुकी हैं, दोनों टीमें आमने सामने होंगी। नीदरलैंड बनाम श्रीलंका मुकाबला देखने को मिलेगा। श्रीलंका इस मैच में, इस वर्ल्ड कप में कुछ खास कर नहीं पाई है, लेकिन नीदरलैंड ने काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए, लेकिन खास बात यह है कृष्णा कि भले ही इन दोनों टीमों ने दूसरी टीमों के साथ भिड़ंत की हो, 3-3 मुकाबले खेल लिए हो, लेकिन पहली बार ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। तो ऐसे में देखना होगा कि आज होने वाला जो मुकाबला है वो कितना रोमांचक होने जा रहा है। नीदरलैंड की टीम जिसे एक बड़ा स्कोर, जिसने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, उसके बाद से तो लगातार नीदरलैंड के खिलाड़ियों की वाह वाह हो गई थी इस वर्ल्ड कप में। तो आज क्या होगा, और आप ये मान लीजिए कि नीदरलैंड जैसी टीम के सामने भी आज श्रीलंकाई जो खिलाड़ी हैं वो कमजोर नजर आ रहे हैं, वो थोड़े से फीके नजर आ रहे हैं। हेड टू हेड मैचेस पे एक बार नजर डालते कृष्णा। नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका, अगर आपस में दोनों में के मैचों की बात किया जाए तो श्रीलंका ने 5 मैच जीते हैं जी। 5 मुकाबलों में 5 हाँ। मैच पूरे श्रीलंका ने जीते हैं और नीदरलैंड को एक भी मैच नहीं जीतने को मिला है। तो नीदरलैंड के खिलाफ अगर देखा जाए, श्रीलंका का पलड़ा हमेशा भारी नजर आया है मुझे। जितने भी अभी तक मुकाबले हुए दोनों टीमों के बीच, तो मुझे जीत अगर देखा जाए तो श्रीलंका हाँ, पहले के मुकाबलों की हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। हालांकि दोनों टीमें पहली बार आमने सामने आ रही है, लेकिन वनडे मैचेस जितने भी कुल वनडे मैचेस दोनों टीमों के बीच में हुए हैं, 5 मैच खेले गए हैं और क्लीन स्वीप आप ये मानिए नीदरलैंड की टीम को श्रीलंकाई टीम ने दी है, क्योंकि 5 के 5 मुकाबले श्रीलंका की टीम ने जीते हैं। ऐसे हिसाब से अगर देखें वनडे मैचेस के हिसाब से कृष्णा, तो निश्चित तौर पर श्रीलंका का पलड़ा भारी है, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड की टीम उलटफेर करने में यहाँ पर सबसे ज्यादा माहिर मानी जा रही है। नीदरलैंड श्रीलंका को हरा दे वर्ल्ड कप में, क्योंकि अभी तक एक भी मैच श्रीलंका हो सकता है कि श्रीलंका आज पहली जीत अपनी हासिल कर ले। तो आज होने वाले दूसरे मुकाबले की बात कर लेते हैं। तो 2 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले आज के दूसरे मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन और अब तक शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीतने वाली साउथ अफ्रीका के सामने होंगे डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड। ये दोनों ही टीमें बड़े उलटफेर का शिकार होकर अपना लास्ट मैच हार कर बेंगलोर पहुंच रही हैं। इंग्लैंड को जहां अफगानिस्तान ने शिकस्त दी, तो वहीं साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। तो टॉप 10 की रेस के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद रोमांचक भी। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड
ये दोनों टीमें आज आमने सामने होंगी। बता दें आपको दोपहर 2 बजे से ये मैच होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, और दर्शकों को आज डबल रोमांच क्रिकेट का, वनडे वर्ल्ड कप का देखने को मिलेगा, नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका। दूसरी तरफ होगी इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका की टीम। तो वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट को अगर आपको बताएं तो बल्लेबाजी के लिए शानदार है वानखेड़े स्टेडियम, यानी वानखेड़े की पिच में धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है ये, और देखा जाए तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की अगर टीमों की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका अभी तक पहला अगर मुकाबला उनकी बात की जाए तो 428 रन ठोके थे साउथ अफ्रीका ने। तो जया, आज का मुकाबला काफी तगड़ा होने वाला है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड, और अभी तक उसका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की बात। इस लिहाज से भी आज का मैच खास हो जाता है कि जो दोनों टीमें हैं इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की, ये उलट फेर का शिकार हुई हैं अपने पिछले मुकाबलों में। ये दोनों ही टीमें कह सकते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप में थोड़ी सी कमजोर टीमों के हाथों इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, और आज टॉप फोर की रेस में ये एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों के बीच में हमें देखने को मिलेगा। कृष्णा, हेड टू हेड मुकाबले आपको इस वक्त बता रहे हैं दोनों टीमों की, अगर बात करें साउथ अफ्रीका वर्सेज इंग्लैंड। हेड टू हेड मैचेस पे एक नजर डालते हैं। दक्षिण अफ्रीका, जिन्होंने 3 मैचेस में जीत हासिल की है, और दूसरी तरफ अगर इंग्लैंड की टीम की बात करें तो देखें हेड टू हेड मुकाबले अभी तक कितने मैचेस दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं वो फिर से बताते हैं। कुल 7 मैच दोनों टीमों में आमने सामने हुई हैं, कुल 7 मैचेस में दोनों टीमें मैदान में उतरी हैं, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम जिसने 3 मैच जीते हैं। मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड ने 4 मैच जीते हैं तो दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैच जीते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी इस लिहाज से देखा जाए तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन अगर वनडे वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो इसके अगर दोनों की जर्नी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका मुझे ज्यादा भारी नजर आ रही है इस बार। जया, बिल्कुल, तो साउथ अफ्रीका की टीम वनडे वर्ल्ड कप के हिसाब से जरूर भारी हो सकती है, लेकिन इंग्लैंड की टीम को भी हम कमजोर बिल्कुल नहीं आंक सकते। उलट फेर का शिकार ये दोनों टीमें हुई हैं पिछले मुकाबले, ये दोनों टीमें हारी हैं, लेकिन आज होने वाला मैच काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और डबल रोमांच आज आपको क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप में आज दोनों टीमों का देखने को मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता दिलीप काप से जुड़ चुके हैं। तो दिलीप, आज के मैच को कैसे देखते हैं? 2 मैच आज होने वाले हैं और दोनों मैचों में कहीं ना कहीं बड़े टक्कर, बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्या लगता है आज के दोनों मैचों को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, जहां तक नीदरलैंड और श्रीलंका के मैच का सवाल है तो उस मैच में नीदरलैंड के पास बहुत सारी हाई होप्स होंगी, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो मैदान में जाएंगी। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को उन्होंने पराजित किया है, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उस टीम का एक अलग ही लेवल पे है, और ये मजेदार मैच हो सकता है श्रीलंका के नजरिए से भी, क्योंकि श्रीलंका बहुत अच्छा कर नहीं पाई है इस वर्ल्ड कप में, और काफी टेस्टिंग होनी है उसकी अभी भी बॉलिंग और बैटिंग की, क्योंकि एक दो खिलाड़ियों पर निर्भर नजर आ रही है वो, और गेंदबाज भी उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो टेस्टिंग है श्रीलंका की और नीदरलैंड के लिए एक और मौका, क्योंकि उस तरह से कॉन्फिडेंस हाई नहीं है श्रीलंका का, तो नीदरलैंड चाहेगी कि वो एक और उलटफेर कर सके और कुछ पॉइंट्स अपने टेबल्स में बढ़ा सके, कुछ कर सके वर्ल्ड कप में। तो अब बात कल हुए मुकाबले की करेंगे, दिलीप आप बने रहिएगा, लेकिन पहले कल के मुकाबले की बात करते हैं। जया जी, अब बैंगलोर में होने हुआ ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान काफी रोमांचक रहा, शानदार मुकाबला देखने को मिला, दोनों टीमें आमने सामने थी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, लग रहा था कि पाकिस्तान जीतेगी इस बार क्योंकि इंडिया के खिलाफ अगर हार मिली है तो कहीं ना कहीं घायल शेर एकदम दहाड़ कर वापस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की और डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली कल, लेकिन कल मैच डेविड वार्नर और ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा, पहले बल्लेबाजी करने दोनों ने शानदार शतक जड़े और पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोल दिए। बिल्कुल, तो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श की ओपनिंग जोड़ी ने पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाने वाले हारिश राउत की भी जमकर धुलाई कर दी। डेविड वार्नर मिचेल मार्श की जोड़ी ने 250 रन की साझेदारी की, डेविड वार्नर ने 163 रन की शानदार पारी खेली, तो वहीं मिचेल मार्श ने 121 रन अपनी टीम के लिए बटोरे। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 368 रनों का टारगेट दिया था और इसका पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 305 रन पर ही ढेर हो गई।
जय बाबर आजम को जो कहा जाता है कि विराट कोहली से दोनों का मुकाबला किया जाता है कि विराट कोहली और बाबर आजम कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन अगर वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास की बात की जाए अभी जो 2023 का चल रहा है, जो जर्नी रही दोनों टीमों की इंडिया और पाकिस्तान की, तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली का मुकाबला कहीं भी पाकिस्तानी बाबर आजम कप्तान कर रहे हैं। कोई नहीं है टक्कर में। दिलीप आपसे सवाल, क्या लगता है बाबर आजम और विराट कोहली की जो हमेशा चर्चा चलती है, क्या लगता है जो पिछले मुकाबले देखे गए पाकिस्तान के? जी देखिए वर्ल्ड कप में अभी तक जो है बाबर आजम को प्रूव करना है अपने आप को, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप उनके लिए नहीं जा रहा है। कल भी जब बहुत अच्छा स्टार्ट शफीक और इमाम की तरफ से मिला और फिर उसके बाद एक उम्मीद थी कि बाबर आकर कुछ विकेट पे वक्त बिताएंगे, बड़ी इनिंग खेलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा विकेट था, बड़ा अच्छा खेल रहा था, रन्स बड़े आराम से बन रहे थे और रिजवान ने भी बाद में बताया कि वहां पे रन किए जा सकते थे। तो ऐसे में बाबर बतौर कप्तान उनके ऊपर जिम्मेदारी थी, टीम के अहम बल्लेबाज थे, सारी टीम उनके इर्द गिर्द रहती है। अगर वो बड़ी इनिंग खेलते तो कल ये जो 62 रन शॉर्ट रह गए ये ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकते थे, मैच और आगे जा सकता था, क्योंकि इफ्तिखार के आउट होने के बाद और उसके बाद रिजवान के आउट होने के बाद हमने देखा कि ओवर्स पड़े हुए थे लेकिन वहां पे रन करने वाले कोई नहीं थे। दिलीप क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की ये धमाकेदार वापसी है, क्या 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन अब वर्ल्ड कप में वापस आ चुकी है बड़ी टीमों को टक्कर देने के लिए? देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत जब आए तो उनके लिए ज़ैम्पा सबसे इम्पोर्टेंट शख्स थे और सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर उनके लिए ज़ैम्पा ही है, क्योंकि भारतीय जो विकेट्स है वो स्पिन ट्रैक को मदद देते ही है, चाहे बल्लेबाजी के लिए कितनी भी अनुकूल पिचेस हो वहाँ पे स्पिनर कुछ ना कुछ उनके लिए मदद, यहाँ के मिट्टी ही ऐसी है बिल्कुल। लेकिन कापसे जी देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत जरूरी था सर, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 2 मैचेस जीत लिए हैं और पॉइंट्स टेबल में भी काफी सुधार आया हो, ऊपर टीम पहुंच गई है, लेकिन पाकिस्तानी टीम की अगर बात की जाए तो उसे अब आगे बढ़ने के लिए अपने बाकी जो मैचेस है वो जीतना बहुत जरूरी हो जाएगा। करो या मरो की लड़ाई यहाँ इस वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के सामने अब आकर खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को अब यहाँ से जो है अपने सारे मैचेस जीतने होंगे, क्योंकि जिस तरह से मैचेस हारे हैं उन्होंने और पास आकर हारे हैं तो वो थोड़ा सा टीम के मनोबल को डाउन किया है कहीं ना कहीं, और यहाँ से रास्ता भी मुश्किल है उनके लिए। जैसे हमें ऑस्ट्रेलिया का शुरुआत के 2 मैच हारने के बाद लग रहा था लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बाउंस बैक किया, फाइट बैक किया और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सेमीफाइनल तक का रास्ता ये टीम जो है तय करेगी। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात है, उनको आने वाले मैचेस जीतने होंगे और बड़े अंतर से जीतने होंगे। जया बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की टीम को अगर इस वर्ल्ड कप में बने रहना है तो अब आगे आने वाले अपने सारे मैचेस जीतने होंगे और सामने वाली टीम को उन्हें परास्त करना होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम जरूर अपनी दूसरी जीत के पॉइंट टेबल में थोड़ा सा ऊपर जरूर आई है। आगे बढ़ते हैं, बने रहिएगा कापसे जी, और अब बात करते हैं कल होने वाले मुकाबले की जो कि भारत का मुकाबला होगा। बात करते हैं भारत के 5वें मैच की, धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें कल आमने सामने होंगी और ये मुकाबला आप लिख के ले लीजिए, बेहद रोमांचक और बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि ये वो टीमें हैं दोनों ही जो कि कड़ी टक्कर इस वर्ल्ड कप में एक दूसरे को दे रही हैं, एक भी मैच नहीं हारी। एक तरफ भारत है जहां 5वीं जीत के लिए मैदान में उतरेगा तो न्यूजीलैंड की टीम भी चाहेगी कि भारत के जो शेर हैं उनके सामने शर्मनाक हार का सामना तो ना करना पड़े। दोनों ही टीमों ने अपने सभी 4 मुकाबले जीते हैं, 5वीं जीत की तलाश में मैदान में उतरेंगे, लेकिन दोनों में से एक टीम का विजय रथ कल रुक जाएगा। भारत वर्ल्ड कप के 2019 के सेमीफाइनल में मिली हार को अब तक नहीं भूला है और भारत के पास मौका है बदला लेने का। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब महेंद्र सिंह धोनी के रन आउट होने से सभी भारतीय का सपना टूट गया था और तभी से लेकर आज तक वो टीस बार बार दिल में चुभती है, लेकिन कल हिसाब बराबर होगा। भारतीय शेर कीवी टीम को हराकर अपना बदला कल जरूर लेंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है क्योंकि हार्दिक पांड्या आपको कल के मैच में दिखाई नहीं देंगे। पिछले हुए मुकाबले में उन्हें चोट आई थी जिसके बाद उन्हें फिलहाल कल होने वाले मैच से राहत दी गई है, फिलहाल वो बाहर रहेंगे। कापसे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हेड टू हेड मुकाबले आपको एक बार फिर से बता देते हैं जरा, दोनों ही टीमों के कड़ी टक्कर एक दूसरे को इस वनडे वर्ल्ड कप में तो ये टीमें देती नजर आ रही हैं, सभी टीमों को परास्त करते हुए कल भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी, लेकिन इसके पहले वनडे में जो मैचेस खेले गए हैं उन पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। दोनों टीमों के बीच में अब तक कुल 116 मैच खेले गए हैं जिसमें भारत ने 58 मैचेस अपनी झोली में डाले, भारत ने जीत दर्ज की है 58 मैच में।
वहीं दूसरी तरफ कीवी की बात की जाए, न्यूजीलैंड की टीम की अगर बात की जाए तो उन्होंने कितने मुकाबले दिखे, 50, यानी कि 8 मैचेस से भारतीय टीम आगे है कृष्णा। न्यूजीलैंड में 50 मुकाबले, मुकाबलों में अगर देखा जाए तो भारत कहीं ना कहीं भारी नजर आता है, लेकिन अगर पिछले मुकाबले की बात की जाए जया, तो जो 239 रन के सेमीफाइनल में हम लोग 239 रन का चेज करने उतरे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन जो 50 रन बनाकर जो धोनी का रन आउट हुआ उसने हमें कहीं ना एक भी मैच नहीं हारे थे, हम सीधा सेमीफाइनल में आके हमें हार का सामना करना पड़ा और 2019 का जो वर्ल्ड कप का जो कहीं ना कहीं सपना था वो टूट गया था। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कल होने वाले मुकाबले की, वो कहीं ना कहीं हमें ये जताती है कि हम कितना उत्साहित हैं उस मैच के लिए और दर्शक भी कितने उत्साहित हैं कल के मुकाबले के लिए, क्योंकि हम कल बदला लेंगे जया, और कल का मुकाबला बहुत ही शानदार होगा और हम उस मुकाबले को जीत कर न्यूजीलैंड को ये दिखाएंगे कि चैंपियन हम है। और ये प्लस पॉइंट है कृष्णा कि भारतीय टीम इस वक्त बेहद शानदार फॉर्म में है इस पूरे वनडे वर्ल्ड कप में, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, विराट का पिछला शतक जो पिछले मैच में हमने देखा, और उसके बाद कल भी उम्मीद की जाएगी हार्दिक, हालांकि शुभमन गिल ने भी पहले के हुए मुकाबले में शानदार पारी खेली थी लेकिन कल उन पर भी नजर रहेगी, हालांकि हार्दिक पांड्या जरूर आपको नहीं दिखाई देंगे लेकिन उनकी जगह टीम में किसे मौका मिलेगा ये हम देखते हैं, कौन सा खिलाड़ी तो कौन से खिलाड़ी होंगे ये हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये इंपॉर्टेंट मैच है कल होने वाला 2019 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से जो भारतीय टीम बाहर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कल न्यूजीलैंड को हमें किस तरीके से मात देनी चाहिए, क्या हमें कल कड़ी टक्कर होनी चाहिए? कड़ी टक्कर नहीं कृष्णा, जीत होनी चाहिए। भारतीय होने के नाते मैं तो ये कहूंगी कि धो डालना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि 2019 टीम को अगर खिलाड़ियों को बार बार पानी की जरूरत पड़ेगी, अगर भारतीय बल्लेबाज अगर पिछले मुकाबलों की तरह इस बार भी नहीं, लेकिन अगर भारत के स्टेडियम में अगर मैच खेल रहे हैं तो भारतीय तो शायद पानी दे देंगे, हमारा दिल बहुत सॉफ्ट होता है तो हम तो पानी के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन धोएंगे जरूर, और यही कोशिश भारतीय टीम की इंडियन टीम की रहेगी, लेकिन थोड़ा सा लफड़ा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उधर से केन विलियमसन नहीं है, इधर से हार्दिक पांड्या नहीं है, हमारे बैटिंग ऑलराउंडर है बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खामियाजा तो हमें भी भुगतना है उस चीज को लेके, देखेंगे कल किसको मौका मिलेगा। बिल्कुल, कापसे जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, कापसे जी तमाम मैचेस की हम बात कर रहे हैं लेकिन कल होने वाला मैच काफी एक्साइटिंग होने जा रहा है सर, क्योंकि न्यूजीलैंड और भारतीय टीम आमने सामने वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, न्यूजीलैंड की टीम टॉप पर बनी हुई है, भारतीय टीम दूसरे नंबर पर, लेकिन कल हमारे पास मौका है 2019 की हार का बदला लेने का। जी देखिए 2019 में जिस तरह से भारतीय टीम बाहर हुई थी तो हाँ एक मौका है उस बदला लेने का, लेकिन वो पिच अलग थी, विकेट अलग था, देश अलग था, ये भारत है, यहाँ पे इंडियन क्राउड का सपोर्ट होगा, यहाँ पे जब न्यूजीलैंड की टीम आएगी तो उसे केवल 11 खिलाड़ियों से नहीं, मैदान में मौजूद 40-50 हजार जो दर्शक है उनसे भी लड़ना होगा, उनके होटिंग से, उनके नारों से, और उनका जिस तरह से सपोर्ट वो करते हैं भारतीय टीम को, तो कल का नजारा कुछ अलग होगा इस मैच में न्यूजीलैंड के लिए। देखिए इस वर्ल्ड कप में भारत के साथ साथ न्यूजीलैंड जो है सबसे तगड़ी दावेदार है, जिस तरह से वो खेल रही है, साउथ अफ्रीका भी थी लेकिन साउथ अफ्रीका भी जिस तरह से पिछले मैच में नीदरलैंड ने हराया तो उसके बाद उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे गिरा है, न्यूजीलैंड और भारत का जो मैच है इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी दोनों टेबल टॉपर हैं और जो जीतेगा वो तय हो जाएगा कि वो टॉप पे जा सकता है, कायम रह सकता है, और क्योंकि अभी तक भारत और न्यूजीलैंड दोनों कोई भी मैच नहीं हारे हैं तो जाहिर तौर पर दोनों अपनी जो है पूरी जी जान कल के मैच के लिए लगा देंगे, इंडिया को थोड़ा सा यहाँ पे एज देना चाहिए क्योंकि वो होम ग्राउंड पे खेल रही है और एक बड़ा सपोर्ट उसके साथ रहेगा, और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है, परफॉर्म कर रही है, वो भी बहुत मायने रखती है, और एज अ टीम यूनिट न्यूजीलैंड से ज्यादा बैलेंस अभी टीम इंडिया नजर आ रही है। दिलीप, हार्दिक पांड्या कल के मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं होंगे, आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है किसको हार्दिक पांड्या की जगह मिलेगी? देखिए हार्दिक पांड्या जो है कृष्णा एक बैलेंस देते हैं टीम को, एक संतुलित टीम बनाते हैं वो, है ना, क्योंकि वो गेंदबाजी भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, तो एक ऑलराउंडर जब टीम से बाहर होता है तो उसे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हार्दिक की जगह किसे लेकर आएंगे, रविंद्र जडेजा हमारे पास पहले से है और अब ऐसे में एक ऑलराउंडर उनकी जगह लाना, जाहिर तौर पर उनकी जगह अश्विन आ सकते हैं टीम में क्योंकि वो ठीक ठाक बैटर भी है और गेंदबाज भी आला दर्जे के हैं, लेकिन क्योंकि धर्मशाला का जो मैदान है वहां पर सीमस को मदद मिलती है तो मैं सोचता हूँ कि भारतीय टीम को शमी के साथ जाना चाहिए, मोहम्मद शमी कल का मैच इंपॉर्टेंट है, बड़ा मैच है, अगर
भारतीय गेंदबाजी अटैक अगर उनके अनुभव का फायदा लेगा तो कल के मैच में भारत को थोड़ा सा एज ज्यादा मिलेगा। लेकिन दिलीप, शमी गेंदबाजी के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन बल्लेबाजी के लिए काफी परेशानी हो सकती है फिर, अगर क्योंकि हार्दिक पांड्या एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और साथ में गेंदबाजी से भी विकेट चटकाते हैं, तो उनकी जगह भरने के लिए आपको क्या लगता है कि किसको वो मिलना चाहिए? क्योंकि शमी तो गेंदबाजी के लिए ठीक है, लेकिन बल्लेबाजी में मुझे नहीं लगता वो इतना कुछ खास कर पाते हैं। देखिए, अभी वर्ल्ड कप में वैसे भी भारतीय टीम की जो लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को उतना टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, वहां तक मौका नहीं आया है, क्योंकि टॉप ऑर्डर इतना अच्छा खेल रहा है। हाँ, किसी मैच में अगर लोअर ऑर्डर की बात आती, हार्दिक पांड्या तक बैटिंग बल्लेबाजी जाती, जरूरत पड़ती, तो हमें पता लगता कि कितनी इंपॉर्टेंस अभी इस मैच में, इस वर्ल्ड कप में लोअर ऑर्डर की और मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी है। जाहिर तौर पे ऐसा मौका आता तब हम टेस्ट कर पाते थे, लेकिन जिस तरह की फॉर्म अभी भारतीय बल्लेबाजी की है, ओपनर्स की है, और नंबर तीन, नंबर चार और नंबर पांच जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोलैप्स होने की या किसी तरह के क्राइसिस होने के चांसेस है भारतीय बैटिंग ऑर्डर के साथ। और अगर ऐसा होता है तो रविंद्र जडेजा वहां पर है, शार्दुल ठाकुर भी वहां पर है, ये लोग बैटिंग भी कर सकते हैं और संभाल सकते हैं चीजों को। बिल्कुल, लेकिन तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने बताया है दिलीप जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में हम उनके देश में जाकर खेल रहे थे, लेकिन इस बार का जो वर्ल्ड कप है वो भारतीय टीम और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ भारत के होम ग्राउंड में खेलेगी, तो इसका फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि क्राउड यहाँ पर हमारा है और पिचेस को क्योंकि भारतीय टीम बहुत अच्छे से समझते हैं यहाँ की, तो इसका फायदा जरूर कृष्णा भारतीय टीम को मिल सकता है। फैंस इंडिया चिल्लाने वाले हैं, और जो कीवी टीम को भारतीय दर्शकों का मजा मिलेगा ना, कुछ अलग ही नजारा देखने को आएगा, मजा कल देखने को मिलेगा, मजा बिल्कुल कल जरूर मजा आएगा, और इसकी गारंटी हम आज जरूर दे सकते हैं। बिल्कुल दिलीप कापसे जी, आपका बहुत धन्यवाद सर विश्लेषण करने के लिए कल होने वाले मैच के, लेकिन इसके साथ ही आज जो मैचेस हुए हैं और आज जो होने वाला मैच है उसको लेकर भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि किस टीम का पड़ला आज भारी नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल द क्रिकेट के वॉर में इतना ही, कल फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम को लेकर हम बातचीत करेंगे, संभावित प्लेइंग 11 आपको बताएंगे, पॉसिबल प्लेइंग 11 के साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि आज कौन सा सितारा चमक सकता है। तो इसी के साथ द क्रिकेट वॉर में फिलहाल इतना ही, लेकिन मंसूर न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।